रूपा अपने बेटे के साथ शहर में रहती थी। रूपा हर रोज सुबह अपनी बहू मनीषा के साथ मंदिर जाती थी। फिर एक दिन, अरे बहू कहाँ रह गई, जल्दी आ जा। चलिए माँ जी, वैसे भी आज बहुत समय हो गया है। बहू मैं बोल रही थी कि जाते समय विमला काकी को भी ले लेंगे, उसने मुझे कल बाजार से आते समय बोला था। मनीषा उसकी सास और पड़ोसन विमला को बुलाकर साथ में मंदिर जाते हैं। विमला मंदिर में देखती है कि तभी विमला का बोलना होता है। रूपा बहन आज क्या है, आज कुछ है क्या जो मंदिर में इतनी भीड़ है? आज एकादशी है, शायद इसलिए इतनी भीड़ है। माँ जी चलिए हम प्रसाद ले लेते हैं, तब तक फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। मनीषा बहू मुझे भी प्रसाद लेना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जब तक शायद भीड़ भी कम हो जाएगी। रूपा और उसकी पड़ोसन और मनीषा प्रसाद ले लेते हैं। तीनों मंदिर के अंदर जा ही रहे होते हैं कि तभी दुकानदार आवाज लगाता है। अरे बहन जी कहाँ जा रही हैं आप, अरे प्रसाद लेना हो गया तो हमारा पैसा देना भूल जाओगी, अरे जल्दी से हमारा पैसा दे दो। अरे और भी ग्राहक है, हमको उनको भी देखना है, अरे अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा। माफ कीजिए भैया, वो मुझे भीड़ में पता ही नहीं चला, मुझे लगा मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। अरे बहन जी जरा ध्यान दिया कीजिए, हम भी गरीब हैं, अपना पेट पालने के लिए यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग ही ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। अरे आंटी जी आप पैसे क्यों दे रही हैं? मैं देती हूँ ना पैसे, मेरे पास पैसा बहुत है। बहू कोई बात नहीं, इस बार मैंने दे दिए, अगली बार तुम दे देना। आंटी जी पैसे की कमी नहीं है, मैं अभी भी दे सकती हूँ, पैसे आप रहने देते। मनीषा की बात सुनकर रूपा मनीषा को गुस्से में दिखती है और तीनों मंदिर में पूजा करके घर आ जाते हैं। जब मनीषा और रूपा घर पहुंचते हैं, मनीषा कमरे में जाती है और रूपा गुस्से में मनीषा को आवाज लगाकर बुलाती है और बोलती है, बहू इतना दिखावा अच्छा नहीं होता जो तूने आज विमला के सामने मंदिर में किया। तुझे पता है ना राकेश ज्यादा नहीं कमाता, हमें दो समय का खाना नसीब हो जाए वही बड़ी बात है। माँ जी मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, और वैसे भी विमला आंटी हमारे घर में आकर कौन सा देख रही हैं, हम लोग गरीब है या पैसे वाले। बहू विमला हमारी पड़ोसन है और वो किसी भी समय कुछ ना कुछ काम से आ सकती है, तुझे पता भी है। अरे माँ जी आप बेफिक्र रहिए, किसी के पास इतना समय नहीं है जो कोई किसी के घर आएगा। बहू अब तूने बकवास कर ली हो तो रसोई में जाकर मेरे लिए चाय लिया। मनीषा रूपा के लिए चाय बनाकर देती है और घर का काम करने में लग जाती है। मनीषा को लोगों के सामने पैसे का दिखावा करने की आदत थी, पर असल में वो गरीब ससुराल से थी, फिर भी अपनी आदत से मानती ही नहीं थी। आओ विमला बहन, जब से साथ वाले घर में शिफ्ट हुई हो तब से तो आज ही आई हो हमारे घर में। तुझसे रोज मिलने के बाद बस तेरे मुंह से यही सुनने को मिलता है, इसीलिए नहीं आती तू, इसीलिए सोचा आज तेरे घर के दर्शन कर ही लूं और बातें करके समय भी बीत जाएगा। चल आज तो तूने इस गरीब की बात का लिहाज कर लिया जो घर आ गई मेरे। अरे आंटी जी आप कब आई, आप लोग बैठिए मैं आप दोनों के लिए चाय और समोसे लेकर आती हूँ। अरे बहू तू बस चाय ले आ, बेकार में समोसे का खर्चा करेगी और मेरा तो मन भी नहीं है। अरे आंटी जी आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, पैसा बहुत है और पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। ठीक है आंटी जी जब आप इतना मना कर ही रही हैं तो मैं आप लोगों के लिए बस चाय ले आती हूँ। मनीषा सभी के लिए चाय बनाकर दे देती है और सभी बैठकर चाय पीते हैं। विमला चाय पीते पीते के घर में देखती है कि मनीषा के घर में इतना पुराना और टूटा हुआ पलंग और सोफे हैं। विमला रूपा से बोलती है, रूपा तेरे घर में इतना टूटा हुआ और इतना पुराना सोफा है, इसे फेंक कर दूसरा नया ले ले, और वैसे भी ज्यादा पुरानी लकड़ी का फर्नीचर रखने से लकड़ी में दीमक भी लग जाती है। अरे आंटी जी घर में नई नई चीजें लाकर घर को नजर थोड़ी लगवानी है लोगों की, वरना पैसे की कोई कमी थोड़ी है हम लोगों को, बस हम दिखावा नहीं करना चाहते। समझ गई मैं, रूपा की बहू का दिखावा, अगर पैसे होते तो शायद ये छोटा सा घर नहीं होता और ये पुराना और गला हुआ पलंग नहीं होता। मनीषा को पैसे की बकबक करनी आती है पर अंदर से खोखली है। कोई बात नहीं, वो तो मैं कल जब मंदिर जाऊंगी तो प्रसाद के पैसे इसी से लूंगी, देखते हैं कितना हाथ की मैल है इसके पास। क्या हुआ आंटी जी किस सोच में पड़ गई आप, कुछ बात है क्या? नहीं कुछ नहीं, चल बहन मैं चलती हूँ, समय भी हो गया है, कल मिलते हैं मंदिर जाते समय। बहू तू विमला के आगे इतने बड़े बोल बोल रही थी, थोड़ा सा तो लिहाज कर। विमला जब सोच रही थी
मैं उसी की तरफ देख रही थी, तभी समझ गई थी वो हमारे बारे में क्या सोच रही है। अगर वो सबके सामने बोलेगी तो हमारी मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी। अरे माँ जी, आप क्यों इतना सोच रही हो, और विमला आंटी कुछ नहीं समझी, आप टेंशन फ्री रहिए। मनीषा को पैसे का झूठा दिखावा करने में बिल्कुल डर नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत गई थी। फिर एक दिन जब मनीषा और पड़ोसन विमला मंदिर जाती है, प्रसाद लेने के बाद जब पैसे देने की बात आती है, तभी विमला अपनी चालाकी दिखाते हुए मनीषा को बोलती है, अरे बहू, आज तो मैं पैसे लाना ही भूल गई। आज तू दे प्रसाद के पैसे, वैसे भी तेरे पास मेरे कितने पैसे उधार है, वो भी तेरा कर्ज उतर जाएगा। अरे मैं तो पैसे लाई भी नहीं हूँ, अब मैं क्या जवाब दूँ, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे आंटी जी, आज मेरे पास 2000 के नोट थे, तो मैं खुले की वजह से वो मैं पैसे घर पर ही छोड़ आई। वैसे भी मैं छोटे 200 और 500 के नोट नहीं रखती, वरना मेरे पास 2000 के नोट की कमी थोड़ी है। मुझे पता था एक ना एक दिन ये पकड़ी जाएगी, पर फिर भी अपनी हरकत से ये बाज नहीं आई। अरे विमला, क्यों चिंता करती है तू, मैं लेकर आई हूँ पैसे। भगवान का शुक्र है, मैंने खुद ही बात संभाल ली थी। वैसे भी कौन सा विमला आंटी हमारे घर की तिजोरी में झांकने आ रही है कि हमारे पास 2000 के नोट है या नहीं। बहू तू घर चल, तुझे तो मैं घर जाके बताऊंगी। विमला प्रसाद के पैसे देकर तीनों मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में दर्शन होने के बाद विमला और रूपा अपने अपने घर आ जाती हैं। रूपा फिर से रोज की तरह घर आने के बाद मनीषा को बहुत सुनाती है। रूपा के इतना सुनाने के बाद भी उसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती। विमला फिर से मनीषा के साथ चालाकी करती है। बहू आज तू मेरे साथ मार्केट चलियो, वो क्या है ना, मुझे अपने होने वाली बहू के लिए साड़ी लेनी है। तू तो आजकल की बहू है, तुझे तो पता होगा आजकल की बहुओं के लिए कैसी साड़ी सही रहेगी। विमला जानबूझकर मनीषा को अपने साथ झूठ बोलकर ले जाती है और एक बड़ी सी साड़ी की दुकान में जाती है। मनीषा अच्छी और चमकती साड़ियाँ देखकर उसका मन साड़ी लेने को कर जाता है और विमला बोलती है, विमला आंटी मैं भी अपने लिए साड़ी ले रही हूँ, आप ये वाली साड़ी रखवा लेना। अरे बहू आज मैं फिर से पैसे लाना भूल गई, तू तो पर्स लाई है, अभी तू दे दे मेरे पैसे, मैं तुझे घर जाकर दे दूंगी। अरे आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, खाली पर्स लेकर आई हूँ, अब मैं विमला आंटी को क्या जवाब दूंगी। मनीषा बहू ये क्या, तू खाली पर्स लेकर आई है? अरे मुझे तेरी चलाकी पता थी, वो तो बस मैंने तुझे किसी बहाने से यहाँ लेकर आई, आज तेरा सच सामने आ गया, पैसे बहुत है और अंदर से कंगाल रहने वाली बहू। मनीषा बहू जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। मनीषा का सच सबके सामने आ जाता है। मनीषा को बहुत शर्म आती है और मनीषा को अपनी गलती का एहसास होने के बाद मनीषा अपनी सास रूपा से माफी भी मांगती है, जिससे वो झूठ बोलना और दिखावा करना छोड़ ही देती है। जोया एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी, जो कि घर से बाहर भी निकलती तो उसके चेहरे पर काले रंग का बुरका हुआ करता। बहुत ही कम लोगों ने उसका चेहरा देखा हुआ था, उन्हीं में से एक था नितिन। नितिन और जोया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार भी हो जाता है, लेकिन जोया मुस्लिम थी और नितिन हिंदू, जिस वजह से कभी भी दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं होते, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने लव मैरिज कर ली और नितिन जोया को अपने घर लेकर आता है, जिसे देखकर नितिन की माँ गुस्से से कहती है, ये सब क्या है नितिन, तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली, अरे एक बार तूने मेरे बारे में नहीं सोचा, अगर लोगों को पता चला कि मेरे बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जोया के बिना और जोया मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, और फिर प्यार हिंदू मुसलमान नहीं देखता, मुझे माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ तूने मेरा दिल दुखाया है, अगर तू इसके जगह किसी हिंदू लड़की से शादी करके आता तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है, अब पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। अम्मी जान गलती हम दोनों ने की है, उसके लिए आप इन्हें मत सुनाइए, मैं भी इनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना ये मुझसे करते हैं, जितना सुनाना है डांटना है आप मुझे सुनाइए, इन्हें कुछ मत कहिए। मैं तेरी कोई अम्मी मम्मी नहीं हूँ समझी, और ना ही मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। ठीक है, अगर आप इसे घर की बहू नहीं मानती तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ, आप ही रहिए इस घर में और इस समाज में, जा रहा हूँ मैं। अरे बेटा तू मुझे लड़की की वजह से छोड़कर क्यों जा रहा है, चल ठीक है रह सकती है ये लड़की इस घर में।
इतना कहकर अब मधु अपनी बहू और बेटों को घर के अंदर बुला लेती है और फिर वो नितिन से कहती है, नितिन ये बात तू जानता है और मैं जानती हूँ कि तेरी बीवी एक मुस्लिम परिवार से है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात मोहल्ले वालों को पता चले, इसीलिए बोल रही हूँ जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही रहे। अगर चाहता है कि तेरी माँ की पूरे मोहल्ले में बेइज्जती ना हो तो मेरी बात मान ले बेटा। ठीक है माँ, आपने हमें अपना लिया यही हमारे लिए बहुत है। आपकी खुशी के लिए मैं और जोया इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों जोया? जी अम्मी जान, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। हे भगवान, कितनी बार कहूँ, अम्मी नहीं मम्मी जी बोल, मम्मी जी। वो अम्मी जान आदत है ना, लेकिन आप चिंता ना करें, अब से अम्मी जान नहीं कहूँगी, ठीक है ना अम्मी जी? पहले से ये मुसीबत कम थी जो एक और आ गई। ऐसे ही अब एक दिन और बीत जाता है। अब सभी को मधु के घर में आई हुई उसकी बहू के बारे में पता चलता है, तो सभी उससे तरह तरह के सवाल करते हैं। और अब मधु सबको कहती है कि उसके बेटे ने किसी मजबूरी में आके उस लड़की से शादी की है, लेकिन मधु ये नहीं बताती कि उसकी बहू एक मुस्लिम है। और ऐसे ही वो एक दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई करती है और जोया से कहती है, देख बहू तू मुस्लिम है ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और आज से तेरा नाम जोया नहीं ज्योति है, समझी? ठीक है मम्मी जी, मैं सबको अपना नाम ज्योति ही बताऊंगी। दोनों साथ में बैठकर बातें कर ही रही थी तभी वहाँ पर पड़ोस की सभी औरतें आ जाती हैं, और उन्हीं में से विमला आकर मधु से बोलती है, अरे बहन कहाँ है, जल्दी से बाहर आओ, हम सब यहाँ तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई करने आए हैं। ऐसा कौन सा चांद का टुकड़ा लेकर आई हो जो घर में छुपा रखा है? हाँ हाँ विमला बहन, आओ आओ, अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को, आप सभी यहाँ बैठे। इतना कहकर मधु अपनी बहू जोया को अपने साथ लेकर आती है और बाहर रखी एक कुर्सी पर बैठा देती है। अब सभी एक एक करके जोया की मुंह दिखाई करने आते हैं। जोया का खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें देखकर सब उसकी बहुत तारीफें करते हैं। विमला भी उसे देखने के लिए जाती है तो जोया उससे कहती है, सलाम अंटी जी, सब खैरियत तो है ना? हाय दैया, ये क्या कह रही है मधु तेरी बहू, सलाम खैरियत, ये सब मुस्लिम लोग बोलते हैं और तुमने तो कहा कि ये एक हिंदू है, लेकिन इसकी बोली तो अजीब है। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आजकल ये पाकिस्तानी टीवी शो देख रही थी तो उससे कुछ शब्द सीख लिए इसने। अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन लगती भी ये कुछ ऐसी ही है जैसे मुस्लिम हो। इतना कहते ही विमला जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी जोया चिल्ला कर कहती है, हाय अल्लाह आंटी जी, खैरियत तो है ना, आपको कहीं जख्म तो नहीं लगा? हे भगवान, मधु अपनी बहू के पाकिस्तानी सीरियल बंद कर, वरना ये पक्की मुसलमान बन जाएगी और एक दिन तुझे कबाब बनाकर खिलाएगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अब विमला को मधु की बहू पर शक हो रहा था, क्योंकि ना तो उसने अपनी मुंह दिखाई पर किसी के पैर छुए और ना ही उसे हिंदू परंपरा के बारे में कुछ पता था, और वो अब पल पल जोया पर नजर रखा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार रोजे और नवरात्र एक साथ आ गए थे और मधु जोया से कहती है, माँ जी कल से रोजे चालू हैं, आपने आज तक जो भी कहा मैंने वो सब किया, अब आप मेरी भी एक बात मान लीजिए, मैं रोजे रखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, अगर तू चाहती है रोजे रखना तो रख लेना, और मेरे भी कल से नवरात्र चालू है, मैं भी माता के व्रत रख लूंगी। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जज्बातों को समझा। अरे नहीं बहू, अब तू इस घर की बहू है तो थोड़ा मुझे तेरे बारे में भी सोचना ही होगा, चल अब कल की तैयारियां कर लेते हैं, अब दोनों के ही व्रत है कल से। इतना कहकर अब दोनों बाजार चली जाती है, बाजार से फल फ्रूट और सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं ताकि दोनों ही साथ में अपने व्रत को खोल सके। अगली सुबह जोया जल्दी उठती है और अपने लिए शहरी तैयार करती है, तो वहीं दूसरी ओर उसके साथ फल फ्रूट काटती है, एक तरफ मधु माता की पूजा करती है तो वहीं दूसरी ओर जोया नमाज पढ़ती है। ऐसे ही वो दिन में भी अपनी पूजा करती है और शाम के समय जोया अपना रोजा खोलने के लिए इफ्तार तैयार कर रही होती है और ढेर सारे अलग अलग पकवान पका रही थी। तभी वहाँ पर विमला आती है और मधु से कहती है, लगता है दोनों सास बहू ने आज व्रत रखा है, लेकिन ये क्या ज्योति बहू तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो, तुम्हें पता नहीं है नवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता बल्कि फल फ्रूट खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये तो नितिन के लिए बना रहे हैं सारा खाना,
हम दोनों तो बस फल फ्रूट खा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तेरी बहू रोजे रखती है, इसीलिए इतना कुछ बना रही है। मैंने देखा है, मेरी बेटी की एक दोस्त है जो कि मुसलमान है, उसके घर में रोजे पर इतना सब सामान ही बनता है। वो हर रोजे पर शाम को हमारे घर पर बहुत सारे फल देकर जाती है। हाँ, बनाते होंगे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बहू हिंदू है, भला वो क्यों रोजे रखने लगी। विमला अब बातों को घुमा फिरा कर जोया से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मधु उसकी बातों को घुमा देती है और विमला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से दोनों सास बहू उठते हैं और मधु पूजा करती है तो जोया नमाज पढ़ती है, लेकिन वो जगह गंदी थी जिस वजह से जोया छत पर नमाज पढ़ने जाती है, लेकिन सामने वाले घर में विमला भी अपनी छत पर ही टहल रही थी और वो जोया को नमाज पढ़ते हुए देख लेती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह वो मधु के घर आती है और मधु से कहती है, अरे मधु बहन, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू हिंदू है, लेकिन सुबह मैंने देखा था कि वह नमाज पढ़ रही थी, ये क्या झोलझाल है। अच्छा, तो आपको पता चल ही गया कि मेरी बहू मुस्लिम है। यानी आपकी बहू सच में मुस्लिम है, आज तक आपने हमसे झूठ कहा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, बहू मेरी है, हिंदू है या मुस्लिम है, तो इंसान ही, क्या उन्हें हक नहीं है किसी हिंदू लड़के से शादी करने का। देखो तो, एक तो घर में मुस्लिम बहू रखी है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। तुम कौन होती हो मेरी और मेरी बहू के बारे में ये सब बोलने वाली, अपने काम से काम रखो, समझी। जोया को अपनी सास की बातें सुनकर पता चलता है कि उसकी सास उससे कितना प्यार करती है। नीलम अपनी मालकिन के घर के बाहर एक बहुत ही छोटे से घर में रहती है जिसमें एक कमरा था और उसी कमरे में ही रसोई थी। नीलम अपनी मालकिन सुनंदा की रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी मालकिन की बेटी पलक आती है और कहती है, आंटी मेरे लिए आप मिल्क शेक बना दो और हाँ, उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी डाल देना। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं पर मिल्क शेक बना कर लाती हूँ। आंटी कमरे में मत लाना, मैं यही किचन में ही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत जोर से भूख लग रही है, जबकि सुबह से पीनट बटर और ब्रेड भी खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी भूख लग रही है। यहाँ पलक बेटी के लिए इतना कुछ खाने को है और ये सब खा के भी भूख नहीं मिट रही इनकी, और वही मेरी बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी कि कब उसकी माँ आएगी और कब उसे कुछ खाने को मिलेगा। नीलम पलक के लिए मिल्क शेक बनाने लगती है और पलक वहीं पर खड़ी होकर रसोई में यहाँ वहाँ घूम घूम कर कुछ ना कुछ खा ही रही थी। जैसे ही मिल्क शेक बनता है, नीलम पलक को मिल्क शेक दे देती है। पलक मिल्क शेक पी रही होती है कि तभी उसके हाथ से मिल्क शेक गिर जाता है और वो नीलम से कहती है, आंटी ये मिल्क शेक तो गिर गया, कोई नहीं है, काम करो आप कि पहले इसे साफ कर दो और फिर दोबारा से मेरे लिए मिल्क शेक बना दो। नीलम को बहुत ही बुरा लगता है कि अमीरों को सब मिलता है लेकिन फिर भी उन्हें किसी भी चीज की कद्र नहीं होती। लेकिन नीलम भी क्या करे, अब भगवान ने उसे गरीब ही बनाया है। नीलम सारा काम करने के बाद अपने घर आती है और वहाँ उसकी बेटी ज्योति कहती है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी और आप अब आई हो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चल बेटा, मैं तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, आजा तू, यहाँ क्या अकेले बैठेगी, चल मेरे साथ ही। क्या ही बनाओगी माँ आप, कल का बचा हुआ खाना वापस गर्म कर दोगे और कह दोगी खा ले बेटा। बेटा, पेट भरने के लिए खाना जरूरी होता है, अगर स्वाद के पीछे भागते रहेंगे तो पेट को परेशानी होगी। नीलम और ज्योति दोनों रसोई में जाते हैं। नीलम दाल का डब्बा खोलती है तो उसमें जरा सी भी दाल नहीं थी। ये देखकर नीलम कहती है, घर में तो दाल ही नहीं है, अब मैं क्या बनाऊं? सब्जी तो वैसे भी दो हफ्ते में एक बार ही लाती हूँ, अब बिना दाल के तू खाना कैसे खाएगी? अब मैं क्या करूँ, क्या बनाऊं तेरे लिए? माँ, आपका तो ये रोज का है, अपनी रसोई देखो और जरा पलक की रसोई देखो, पलक की रसोई में सब कुछ रहता है, वो भी इतना सारा सारा, और एक हमारी रसोई है जिसमें खाने के नाम पर बस कमी ही मिलती है। बेटा तो गुस्सा क्यों कर रही है, मैं हूँ ना तेरे लिए, कुछ अभी जल्दी से बनाती हूँ। माँ रहने दो, ये आज का नहीं है, ये तो रोज का ही है, गरीब की रसोई की वजह से कई बार तो हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है, और आप हो कि अब मुझे समझा रही हो। बेटा, हम गरीब भले ही हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हम अपने हालात से समझौता कर लें। अब तू ही बता, मैं काम करती हूँ, कम पैसे ही सही, लेकिन मिलते तो है ना, एक वक्त की रोटी तो हो ही जाती है। अब खुद ही सोच, हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो वो एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी ना।
माँ, लेकिन हमारी रसोई अमीरों की रसोई की तरह क्यों नहीं हो सकती? मेरा भी तो मन होता है ना कि मैं रसोई में जाऊँ और सब कुछ सामने ही मिल जाए। नीलम अपनी बेटी को समझा तो देती है, लेकिन नीलम को ये बात खुद ही पता होती है कि उसकी गरीबी की वजह से उसकी बेटी को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही अमीर और गरीब की रसोई चलती रहती है। कुछ दिनों बाद ज्योति घर में बैठी हुई थी, तभी उसके पास पलक आती है और कहती है, अरे मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी और तुम घर में अकेले बैठी हो। चलो ना कुछ खाने चलते हैं। तुम्हें बाहर जाकर कुछ खाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो रसोई में ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा तुम्हें लगता है, और सच कहूँ तो मुझे सिंपल और सादा खाना ही पसंद है। लेकिन मेरे घर पर ऐसा खाना तो किसी के बीमार होने पर भी नहीं बनता है। मैं तो पक चुकी हूँ ये सब खा खा कर। जिसको मिलता है उसे खाने का मन नहीं होता, और जिसको नहीं मिलता वो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता रहता है। खैर ये सब छोड़ो और बताओ खाने का क्या मन है तुम्हारा? मुझे तो दाल खिचड़ी या फिर ऐसा कुछ खाने का मन है। ऐसा कुछ मिल जाए तो आज मजा ही आ जाए। हमारी रसोई में ये सब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग रही है तो कल रात के चावल बच गए हैं, तो मैं उन चावलों में तड़का लगा देती हूँ, वो खा लेना, उससे पेट तो भर ही जाएगा तुम्हारा। वाओ, मैंने कभी ऐसे चावल भुंजे हुए कभी नहीं खाए हैं, लेकिन आज तो जरूर खाऊंगी। फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो मैं तुम्हें अभी तड़का लगाकर चावल खिलाती हूँ। ज्योति पलक के लिए भी चावल भूंजने लगती है और पलक वहीं एक तरफ खड़ी होती है। पलक को वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है और पलक कहती है, ये रसोई है या तय खाना है? यहाँ पर लाइट भी नहीं है और कहीं से गर्मी बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है। तुम लोग रसोई में कैसे जा सकते हो? मेरा तो अभी ही इतना बुरा हाल हो गया है। अब हमारी रसोई तो यही है और हमें खुशी से या मजबूरी में इसमें ही खाना बनाना होता है। छोड़ो ये सब बात और मुझे ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, कम से कम इस गर्मी में कुछ तो राहत मिलेगी। मटके का पानी है दू, वो भी बहुत ठंडा रहता है, हम लोग उसी से पानी पीते हैं। क्या मटके का पानी? गर्मी देख रही हो, ऊपर से तुम्हारी रसोई तो आग फेंक रही है, इसमें तो बर्फ भी कम ही पड़ जाएगी। जब तक तुम यहाँ रहोगी ऐसे ही गर्मी लगती रहेगी। ये लो चावल में तड़का लगा दिया है, बाहर चलो पंखे की हवा में खाना। तुम्हें इतनी गर्मी की आदत नहीं है ना, लेकिन हमारे लिए तो ये आम बात है। हमारी रसोई में तो सब कुछ होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। और वही दूसरी तरफ तुम्हारी रसोई में जिसमें बस एक चूल्हा ही है, गरीब तो बाहर काम के लिए रोए और घर आकर रसोई में रोए। फिर तुम इतना मत सोचो, कोई बड़ी बात नहीं है ये हमारे लिए। और रसोई का तो मतलब ही है ना कि जहाँ खाना बनाया जा सके, तो हमारे लिए हमारी यही रसोई बढ़िया है, जिसमें थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हम अपने पेट भरने लायक खाना बना ही लेते हैं। माँ को मत बताना कि तुम यहाँ आई थी, वरना वो तो डांटेंगी बहुत। ज्योति और पलक दोनों बाहर जाते हैं। पलक को अपनी गरीब नौकरानी की रसोई देखकर बहुत हैरानी होती है। वो ये सारी बात करके अपनी माँ सुनंदा को भी बताती है। सुनंदा पलक से कहती है, हम अमीर है, हमारे पास सारी सुख सुविधा है, लेकिन हमारी नौकरानी को इतनी ज्यादा परेशानी होती है और अब तक उसने कुछ भी नहीं बोला। हम कितनी सारी चीजें ऐसे ही बर्बाद कर देते थे। हाँ माँ, और तो और मैंने उनकी रसोई में ये भी देखा कि खाने पीने की चीजें भी बिल्कुल ना के बराबर ही थी। माँ हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, गरीब की रसोई हमेशा गरीब में ही नहीं होनी चाहिए ना। हाँ पलक, तुम एक काम करना, कल ज्योति को भी अपने घर ही बुला लेना। जब नीलम हमारे घर का काम कर रही होगी उसके बाद हमसे जितना हो सकेगा हम उसकी रसोई को सुधारने के लिए करेंगे। ठीक है माँ। पलक अगले ही दिन ज्योति को अपने घर बुलाती है और ज्योति के साथ पलक बिजी रहती है और नीलम घर का काम कर रही होती है। काफी देर बाद शाम के समय जब नीलम अपने घर जाती है तो साथ में पलक और ज्योति भी जाते हैं। घर जाने के बाद वो रसोई में लाइट लगवाती है, फ्रिज लगवाती है और खाने की जरूरत का सारा सामान रखवाती है। वहाँ सुनंदा भी होती है। नीलम गरीब की रसोई में इतना सब कुछ देखकर कहती है, ये हमारी रसोई है? हाँ नीलम, ये तुम्हारी ही रसोई है और हमने ये सब तुम्हारे लिए ही किया है। माफ करना, तुम हमारे पास ही रहती हो लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या, ये आपने हमारे लिए किया है? माँ, अब तो गरीब की रसोई में भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब तो खुश हो ना तुम ज्योति? हाँ बहुत खुश हूँ मैं। ज्योति और नीलम को बहुत ज्यादा खुशी होती है। गरीब की रसोई अमीर के जितनी तो नहीं,
लेकिन काफी हद तक सुधर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।